नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में कोरोना से हालात हर दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है और हर तरफ ऑक्सीजन लाने की होड़ है। ऐसे में अब सड़क के रास्ते से ऑक्सीजन लाने में देर हो रही है। तो इस बीच भारतीय वायुसेना सरकार और जनता की मदद के लिए आगे आई है और देश के कई भागों में वायुसेना ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, जरूरी दवाओं, मेडिकल उपकरणों और चिकित्सा कर्मियों को एयरलिफ्ट करने का काम कर रही है। भारत मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना कर रहा है और देश भर के कई अस्पताल अब दहशत की स्थिति में आ गए हैं। इस बीच वायुसेना ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वायुसेना का परिवहन बड़ा सहयोग कर रहा है। देश भर में चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने और कोविड अस्पतालों के निर्माण के लिए वो चिकित्सा कर्मियों, उपकरणों और दवाओं को एयरलिफ्ट कर रहा है। बता दें, वायुसेना के 2 C-17 विमानों ने 2 बड़े ऑक्सीजन कंटेनर्स, IL-76 ने एक खाली कंटेनर को बंगाल के पन्नागढ़ पहुंचाया है। इन तीनों कंटेनर्स को ऑक्सीजन से भरा जाएगा और दिल्ली लाया जाएगा। वायुसेना की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, वायुसेना अब 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को भी जर्मनी से एयरलिफ्ट करेगी ताकि अस्पतालों के पास इन्हें लाया जा सके और ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू रूप से चालू रखा जा सके। इससे पहले वायुसेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में कोविड टेस्टिंग सेटअप को पहुंचाया ताकि टेस्टिंग की प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट ना आए। दरअसल देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई में काफी दिक्कत आ रही है। कई जगह ऑक्सीजन सड़क के रास्ते पहुंच रही है, इसीलिए उसमें वक्त लग रहा है। यही वजह है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत दर्जनों राज्यों में इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। ऐसे में अब एयरलिफ्ट करके तमाम राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।